वेलकम टू माय चैनल क्लिफ्टन स्टूडियो। डियर व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू FBR के जॉब्स की अपडेट लेके आए हैं। FBR की जानिब से पूरे पाकिस्तान के लिए जबरदस्त असामियां अनाउंस कर दी गई हैं। तो अगर आप लोग इन असामियों में इंटरेस्टेड है और इनके बारे में तमाम डिटेल जानना चाहते हैं तो वीडियो को आप लोगों ने एंड तक देखना है, कहीं से स्किप नहीं करना। FBR में जो जॉब्स अनाउंस की गई हैं उन जॉब्स पे अप्लाई करने के लिए जो तालीम रिक्वायर्ड है वो बेचलर है, इंटरमीडिएट है, मास्टर, मैट्रिक और में डिप्लोमा वाले अफराद इन असामियों पे अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने की लास्ट डेट 15 जुलाई है, आप लोगों ने ये लाजमी याद रखनी है। इसमें जो टोटल असामियां अनाउंस की गई हैं वो 1729 हैं, ठीक है। और जो इसमें असामियां अनाउंस की गई हैं जिन असामियों पे भर्ती का ऐलान किया गया है वो असिस्टेंट है, डेटा इंटरप्रेटर है, डिस्पैच राइटर है, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर है, ड्राइवर है, लेडी सर्चर है, लाइब्रेरी असिस्टेंट है, और उसके बाद लोअर डिविजन क्लर्क, LDC है, माली है, नाइब कासिद, सेंट्री वर्कर और सिपाही, ठीक है। और उसके अलावा स्टेनोटाइपिस्ट है, अपर डिवीजन क्लर्क, UDC है और वायरलेस ऑपरेटर है, ठीक है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि इन जॉब्स पे अप्लाई करने की अहलियत क्या है। आप लोगों ने इसलिए वीडियो को गौर से देखना है, जो आप लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है कि कौन से लोग इन असामियों पे अप्लाई करने के लिए अहलियत रखते हैं, ठीक है। तो इसमें जो एजुकेशन रिक्वायर्ड है, जो तालीम रिक्वायर्ड है वो इंटरमीडिएट है, ग्रेजुएशन, मेट्रिकुलेशन, बेचलर्स डिग्री, मास्टर्स डिग्री और प्राइमरी है, ठीक है। और इसमें जो है अगर आप लोगों के पास अपने फील्ड से रिलेटेड एक्सपीरियंस होगा तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। और अप्लाई करने के लिए जो उम्र की हद है वो कम से कम आपकी उम्र 18 साल होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 30 साल होनी चाहिए और 5 साल की आप लोगों को जनरल एज रिलैक्सेशन भी दी जाएगी। जेंडर इसमें मेल फीमेल जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। और जिन सिटीज़ के लिए असामियां अनाउंस की गई हैं उनमें इस्लामाबाद है, क्वेटा और उसके अलावा जो है उसमें पिशावर है, ठीक है, लाहौर, कराची, मुल्तान, रावलपिंडी और उसके बाद रावलपिंडी के बाद जो है इसमें हैदराबाद और ग्वादर है, ठीक है। इन सिटीज़ में असामियां अनाउंस की गई हैं और इन्हीं सिटीज़ के लोग इन असामियों पे अप्लाई कर सकते हैं। और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के जिन डिपार्टमेंट्स में जो असामियां अनाउंस की गई हैं उन डिपार्टमेंट की लिस्ट भी आप लोगों के सामने है। डायरेक्टोरेट ऑफ इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन कस्टम हैदराबाद है, रावलपिंडी है, कलेक्टोरेट ऑफ कस्टम्स इन्फोर्समेंट लाहौर है, कलेक्टोरेट ऑफ कस्टम एप्रेसमेंट कराची है, फैसलाबाद है, मुल्तान है, इस्लामाबाद, सिरगोदा, क्वेटा, ग्वादर और कोहाट है, ठीक है। इन डिपार्टमेंट्स में जो असामियां अनाउंस की गई हैं और जिन सिटीज़ के लिए असामियां अनाउंस की गई हैं और जिन सिटीज़ को लोग इन असामियों पर अप्लाई कर सकते हैं वो ऑलरेडी हम आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। और इसका जो आप लोगों ने अप्लाई करना है वो आप लोगों ने नेशनल जॉब पोर्टल के थ्रू ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए वेबसाइट का लिंक जो है हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाएँ और अपनी जॉब के लिए जो ऑनलाइन अप्लाई करें। लेकिन अगर आप लोगों को जॉब के ऑनलाइन अप्लाई करने में कोई भी मुश्किल पेश आ रही है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर सामने आप लोग स्क्रीन में देख रहे हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टैक्ट करें और घर बैठे जो है आप लोग अपनी जॉब का ऑनलाइन अप्लाई करवाएं। इंशाल्लाह आप लोगों को ट्रस्टेड सर्विस प्रोवाइड की जाएगी। और ये फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से जारी किया गया ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है। और अगर ये एडवर्टाइजमेंट आप लोगों को PDF फॉर्म में चाहिए है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप लोग हमसे एडवर्टाइजमेंट ले सकते हैं, ठीक है। तो तमाम डिटेल हम आप लोगों से डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोग इन असामियों पे अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं तो लाजमी अप्लाई करें। शुक्रिया।